हेलो दोस्तों, आप सबको हमारे डेली लाइफ डायरी चैनल पर स्वागत है। बने रहिएगा हमारे चैनल पर एंड तक, वीडियो को पूरा देखिएगा। और हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम लेकर के आए हैं पौधों में डालने के लिए जैविक खाद बनाने का टिप्स। तो जो भी हमारे किचन में सब्जी या फल के छिलके निकलते हैं उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। कोई भी डब्बा या गमला या ग्रो बैग होता है उसमें डाल करके इकट्ठा करते हैं। ये जब गल करके बिल्कुल मिट्टी का रूप ले लेता है उसके बाद हम इसमें और मिट्टी मिलाकर पौधों में डालते हैं। तो देख ही रहे होंगे, जो किचन से निकलने वाला सब्जी के छिलके हैं, फल के छिलके हैं, चाय पत्ती होता है उसको सुखाकर भी खाद बनाया जाता है और हम इसी में डाल देते हैं। इसमें चीनी या दूध का जो भी मात्रा होता है उसको धो करके हटा देते हैं और इसी के साथ गलने के लिए डाल देते हैं। जब यह अच्छा से गल जाता है उसके बाद इसको हम सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद पाउडर की तरह यह बन जाता है। तब हम इसको जो भी हमारे पास फूल के पौधे हैं, या तो हम छत पर गमले में लगाए हुए हैं या नीचे दरवाजे पर है, वो सब में हम डालते हैं। तो देख ही रहेंगे किस तरह से हमने सारे छिलके को इकट्ठा किया हुआ है। और देखते रहिए, ये हमारे दरवाजे का फूल है। इसमें हम अलग से कोई भी खाद नहीं डालते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा जड़ को खुदेर देते हैं जड़ तक के मिट्टी, और उसमें एक एक मुट्ठी लेकर के डाल देते हैं या पानी में भी मिला देते हैं। एक बाल्टी पानी में दो चार मुट्ठी लेकर मिला दिए और उसमें डाल देते हैं, जिससे हमारा फूल के पौधा देख ही रहेंगे कितना हरा भरा है और फूल से लदा हुआ है। देखने में काफ़ी खूबसूरत और सुंदर लगता है। तो हम इसको नीचे दरवाजे पर पौधा है उसमें भी यूज करते हैं और ऊपर गमला है उसमें भी यूज करते हैं। सब्जी के भी पौधा है उसमें भी हम यूज करते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका है जैविक खाद बनाने का। बस जो भी घर में साग सब्जी के छिलके निकले, फल के छिलके निकले, उसको इकट्ठा करके आप पौधा के लिए खाद तैयार कर सकते हैं। तो देख रहे होंगे तो किस तरह से हमारे पौधे सब हैं। कुछ पौधे हमें नहीं रहने के कारण ख़राब हो गया है। कुछ दिन के लिए हम अलग गए थे घर से, जिसके कारण कुछ पौधा ख़राब हो गया। और देख ही रहे होंगे किस तरह से हम डब्बा में छिलके को इकट्ठा करते हैं और उसका खाद बनाते हैं, क्योंकि बाहरी खाद हमें सही नहीं लगता है। हम घरेलू ही सामान से अपना पौधा के लिए खाद बनाते हैं, तैयार करते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों, अपना प्यार सहयोग हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा जो आप कहां से हमें लाइक शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ताकि मैं आपको धन्यवाद कह सकूं। और फिर से याद दिलाती हूं और आप सबसे निवेदन करती हूँ
कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। बिल्कुल नया तरीका है और आसान भी है, इसके लिए आपको सिर्फ समय चाहिए, घर में ही परफेक्ट खाद बनकर तैयार होगा। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद।